नमस्ते दोस्तों, आज से आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत होने जा रही है हमारे इस चैनल में, जिसका नाम है द इंडियन फुटबॉल ड्रीम्स। ये ड्रीम इसीलिए है क्योंकि हमने आज तक इसे हासिल नहीं किया, और ये ड्रीम इसीलिए भी है क्योंकि इसको हासिल किए बिना चैन से हम सो भी नहीं सकते। कहा जाता है कोई भी गोल या ड्रीम अगर पूरा करना हो तो उसे जिन्होंने शुरू से देखा है उनको जानना और समझना बेहद जरूरी बन जाता है। तो फिर देर किस बात की, आज और अभी से शुरू होता है ये सीरीज द इंडियन फुटबॉल ड्रीम्स, जो कुछ एपिसोड्स में बटकर आपके सामने हम लाएंगे, ताकि कोई भी डिटेल्स, स्पेशल इवेंट्स और खासकर कोई भी हीरो को हम मिस ना करें। मैं आपकी दोस्त श्री ये भरोसा दिलाती हूँ कि इंडियन फुटबॉल को इतने करीब से जानना आप सब के लिए एक बहुत गर्व की बात होगी। इंडिया के हर एक कोने में, छोटी से छोटी गली, गांव, शहर और हर एक चौराहे पे जो भी इंडियन फुटबॉल के असली फैन हैं, उनका और हमारा सिर्फ एक ही ड्रीम है, एक फीफा वर्ल्ड कप का मैच, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और स्टेडियम से गूंजती हुई सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक, इंडिया, इंडिया। तो आइए चलते हैं इस सफर की शुरुआत में। जो इतिहास आज हम जानने वाले हैं वो बहुत आसान नहीं होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि फुटबॉल कभी नेशनल स्पोर्ट्स हुआ करता था। ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी को एकत्रित करने के लिए फुटबॉल मैचेस खेले जाते थे। वर्ल्ड के सबसे पुराने कुछ फुटबॉल क्लब्स का घर हुआ करता था हमारा ये देश, और डूरंड कप, जो कि वर्ल्ड के थर्ड ओल्डेस्ट कॉम्पिटिशन है, उसका भी शुरुआत इंडिया से ही हुआ था। है ना ये गर्व वाली बात। एक समय था जब इंडिया में फुटबॉल को उत्सव की तरह मनाया जाता था। आज भी वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में फुटबॉल एक उत्सव ही है। इंडियन फुटबॉल आउटफिट को ब्राजीलियंस ऑफ एशिया कहा जाता था, पर फुटबॉल को भारतीय खेल बनाने में जो पहला सितारा उभर कर आए वो थे नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी। कोलकाता के रहने वाले नागेंद्र प्रसाद जी जन्म लिए थे सन 1869 में। उनके पिता थे डॉक्टर सूर्य कुमार सर्वाधिकारी और माता थे हेमलता देवी। उनके बचपन के बारे में किसी को खास जानकारी नहीं है, पर 1877 सितंबर की एक सुबह उनको अलग दिशा में ले गई। हर सुबह की तरह उस दिन भी छोटे नागेंद्र अपनी माँ के साथ गंगा जी में डुबकी लगाने जा रहे थे। उन दोनों की हर दिन की शुरुआत ऐसे ही होती थी। गंगा नदी में जाने का रास्ता कैलकाटा FC ट्रेनिंग ग्राउंड होके गुजरती थी। वो सुबह छोटे नागेंद्र बेहद उत्सुक हुए जब उन्होंने कुछ ब्रिटिश सोल्जरों को एक गोल सा बॉल के साथ खेलते हुए देखा। वो और करीब से देखने के लिए पास चले गए और कुछ देर बाद उनके पास बॉल आ गई। उन्होंने बॉल को उठाया और देखने लगे। इतने में एक सोल्जर आए और हंसते हुए कहा, किक इट टू मी बॉय। छोटे नागेंद्र ने बॉल को किक किया। ज्ञानियों के मुताबिक वो किक एक भारतीय द्वारा किया हुआ फुटबॉल का पहला किक था। उस छोटे से बच्चे ने जानबूझकर फुटबॉल को किक नहीं किया था, पर तकदीर उन्हें फुटबॉल की ओर ही ले गए, और वही छोटे से बच्चे ने विक्टोरियन एज में भारत को फुटबॉल के जगत में ब्रिटेन के अलावा एक अलग पहचान दिलवाई। नागेंद्र जी की ये स्टोरी लोक प्रचारित थी, पर भारतीय फुटबॉल की शुरुआत जानने के लिए हमें 19th century से जुड़नी होगी। निर्मल नाथ जी उनकी लिखी हुई किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल में कहा, साल 1802 में बॉम्बे, जो कि अब मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है, वहां इंडिया का पहला फुटबॉल मैच हुआ मिलिट्री और आइलैंड के बीच, जो कि सिर्फ 30 मिनटों का था। ये उस समय की बात है जब फुटबॉल के रूल्स बने नहीं थे। ये मैच रग्बी और फुटबॉल दोनों रूल्स के मिश्रण से खेला जाता था। इसके बाद कई मैचेस हुए कैलकाटा में, जैसे इटोनियंस अगेंस्ट रेस्ट ऑफ कैलकाटा 1838, कैलकाटा क्लब ऑफ सिविलियंस अगेंस्ट जेंटलमैन ऑफ बैरकपुर 13th अप्रैल 1854, इटोनियंस अगेंस्ट रेस्ट ऑफ कैलकाटा 1868।
1870 के बाद से कैलकाटा में ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल मैचेस होने लगी, जो कि ज्यादातर ब्रिटिश सोल्जर्स एंड भारत के बाहर से आए हुए ट्रेड्समैन और सेलर्स के बीच हुआ करती थी। उस दौरान 1878 में कुछ ब्रिटिश बिजनेसमैन मिलके ट्रेडर्स क्लब नामक फुटबॉल क्लब बनाया, जो बाद में डलहौसी क्लब के नाम से जानी जाती थी। 17th सेंचुरी से अमेरिकन ट्रेडर्स भी बंगाल में बिजनेस कर रहे थे। इस बार वो भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने एक फुटबॉल क्लब बनाया। 1870 तक इन क्लब्स में सब नॉन इंडियंस ही खेला करते थे, पर नागेंद्र प्रसाद जी के आने के बाद धीरे धीरे सब बदलने लगी। छोटे नागेंद्र प्रसाद उस सुबह की स्टोरी उनके कलकत्ता स्थित हेयर स्कूल के दोस्तों को सुनाने लगे और उनके उत्सुकता को देख उनके दोस्त भी प्रभावित हुए और सबने मिलके एक एक पैसे जोड़ के एक बॉल खरीद लिया, पर वो बॉल फुटबॉल की जगह पर रग्बी बॉल थी। छोटे नागेंद्र और उनके दोस्तों को गेम के बारे में कोई रूल्स पता नहीं थे, इसी कारण वो सिर्फ बॉल को लेके पैरों से खेलने लगे और रोज हेयर स्कूल के मैदान में ऐसे ही खेलते रहे। और कुछ दिनों में थोड़ी थोड़ी करके भीड़ भी इकट्ठा होने लगी। एक दिन हेयर स्कूल के नजदीक स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज के बालकनी से प्रोफेसर जी ए स्टेक ने लड़कों को फुटबॉल खेलते हुए देखा। हैरान प्रोफेसर ने आके नागेंद्र से पूछा कि वो कौन सा खेल खेलना चाहते हैं, फुटबॉल या रग्बी। नागेंद्र की दुविधा को समझते हुए ना सिर्फ प्रोफेसर ने उसे फुटबॉल गिफ्ट किया, बल्कि बकायदा खेल के नियम भी सिखाए। प्रोफेसर जे एच गिलीगेंड ने प्रोफेसर स्टेक को ज्वाइन किया उन बच्चों को फुटबॉल सिखाने के लिए। यंग सर्वाधिकारी ने बहुत ध्यान से फुटबॉल की सीख ली और पहले से ही उनके पास बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी थी, इसीलिए अपने स्कूल में फुटबॉल को जनप्रियता दिलाना उनके लिए आसान साबित हुआ। नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी ने उस दौरान पहला फुटबॉल क्लब बनाया जिसका नाम था बॉयज क्लब, जो पहला ऐसा क्लब हुआ जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेंबर्स थे। बहुत जल्द प्रेसिडेंसी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हेयर स्कूल के बच्चों के साथ मैचेस खेलने लगी। कॉलेज के लड़कों से नागेंद्र छोटा था, पर फिर भी वो ही लीडर थे। नागेंद्र प्रसाद के क्लासमेट थे नागेंद्र मलिक, जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, फ्रॉम चोराबागान एरिया ऑफ कलकत्ता। उन दोनों के जॉइंट एफर्ट्स के चलते फुटबॉल का जोश रॉयल फैमिली में भी पनपने लगी और जन्म हुआ फ्रेंड्स क्लब का, जो राजा राजेंद्र मलिक की राजमहल के प्रेमिसेस के बगल में थी। आज भी वो राजमहल कलकत्ता में एक टूरिस्ट स्पॉट है। इवेंचुअली सर्वाधिकारी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया और फुटबॉल को डिफरेंट एज ग्रुप्स में लोकप्रियता मिली। वो एक के बाद एक बेहतरीन क्लब्स बनाते गए और फुटबॉल को एक अलग बुलंदी हासिल हुआ। उनकी एक्टिविटीज अब सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रही। वो और उनके एक दोस्त बामाचरण कुंडू मिलके हावड़ा स्पोर्टिंग क्लब की शुरुआत की। हावड़ा एक नेटिव डिस्ट्रिक्ट है कोलकाता के नजदीक। इसी तरह और भी डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल होने लगी। सर्वाधिकारी के लीडरशिप में प्रेसिडेंसी क्लब 1884 में विलिंगटन क्लब आई, जो स्कूल और कॉलेज की परिधि से बाहर थी और समाज के सभी समुदाय से प्लेयर्स को खेलने का बराबर मौका मिला। 1887 में शोभा बाजार क्लब के निर्माण के साथ नागेंद्र जी ने अपने ही अंदाज में एक मिनी सोशल रिवॉल्यूशन किया, क्योंकि सोसाइटी के हायर कास्ट प्लेयर ने मोनीदास, अ सन ऑफ अ पॉटर के खिलाफ आवाज उठाई जब उन्होंने विलिंगटन क्लब को ज्वाइन करना चाहा। इस डिस्क्रिमिनेशन से गुस्सा होके नागेंद्र जी ने विलिंगटन क्लब को डिसॉल्व करना ठीक समझा और इस तरह शोभा बाजार क्लब का शुरुआत हुआ। थ्रू मैरिज सर्वाधिकारी का नाता शोभा बाजार रॉयल फैमिली से जुड़ गई, जो कि सोशियो पॉलिटिकली बंगाल की एक पावरफुल एंटिटी हुआ करती थी। शोभा बाजार क्लब भी उस रॉयल पैलेस की प्रेमिसेस में ही बनाया गया था नॉर्दर्न कलकत्ता में। शोभा बाजार क्लब का सबसे खास प्रिंसिपल था कास्ट, रिलीजियन और क्रीड के ऊपर उठकर प्लेयर्स रिक्रूट करना,
जो कि अपने आप में सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बहुत बड़ा स्टेप था। विदाउट एनी डाउट शोभा बाजार क्लब वॉज द फर्स्ट बिग नेटिव क्लब। शोभा बाजार रॉयल फैमिली ब्रिटिश शासक के करीबी होने के कारण इस क्लब को ब्रिटिश प्लेयर्स के साथ खेलने का खूब सारे अपॉर्चुनिटीज मिले। यही वो क्लब साबित हुआ जो पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर करने में सफल हुई और इस क्लब से इंस्पायर होके कैलकाटा में और भी क्लब्स बनने लगे। उस एरा की और दो क्लब भी बहुत सफल हुई थी। उस क्लब के फाउंडर्स भी नागेंद्र जी से लिंक्ड थे। एक थे मन्मथा नाथ गांगुली, नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर, और दूसरे दुखीराम मजुमदार, आर्यन क्लब के फाउंडर। हमेशा ही हर दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह जरूर होती है। समय कभी एक जगह रुकती नहीं। इसी तरह पूरे 25 साल तक इंडियन फुटबॉल मूवमेंट को लीड करने के बाद नागेंद्र प्रसाद जी 1902 में ये सब कुछ छोड़ के कैलकाटा हाई कोर्ट के अटॉर्नी बन गए और उनके लेफ्ट करने के बाद ही शोभा बाजार क्लब एंड नेशनल एसोसिएशन ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाई। उस जगह पे टेक ओवर करने के लिए मोहन बगान, मोहम्मदन स्पोर्टिंग और ईस्ट बंगाल क्लब ने अपनी जगह ढूंढ लिया। 17 जनवरी 1940 नागेंद्र प्रसाद जी का निधन होने के साथ साथ नेटिव क्लब्स ब्रिटिश प्रभाव को कम करते हुए इंडियन फुटबॉल को ट्रूली इंडियन बनाने में सफल हो जाती है। 1930s में मोहम्मदन स्पोर्टिंग का कैलकाटा लीग 5 कंसेक्यूटिव टाइम जीत जाना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी साबित होती है। इन 1938 बैंगलोर मुस्लिम बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्लब टू विन रोवर्स कप, वाइल मोहम्मदन एससी डिड द सेम विद डूरन कप इन 1940। 1977 में इंडियन फुटबॉल का 100 ईयर्स एनिवर्सरी मनाया गया था इन ऑनर ऑफ नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी जी। हिज रोल इज एक्नॉलेज्ड बाय मोस्ट वर्क्स ऑन इंडियन फुटबॉल इंक्लूडिंग बेयर फुट टू बूट्स बाय इंडियाज प्राइम फुटबॉल हिस्टोरियन नोवी कपाड़िया। जितना सेलिब्रेशन एंड ऑनर नागेंद्र जी को मिलना था बिकॉज ऑफ हिज सिंगल हैंडेड एफर्ट्स इन पॉपुलराइजिंग फुटबॉल अमंग इंडियंस उतना शायद नहीं मिला, पर ही इज ट्रूली ट्रूली अ परफेक्ट फिट फॉर द मोनिकर ऑफ फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। एज एन इंडियन आई नो जैसा मैं फील कर रही हूँ इस वक्त आप भी वैसा ही गर्व महसूस कर रहे होंगे। हम आगे और भी हीरोज को ऐसे ही आपके सामने लाते रहेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज प्लीज मेक द ब्लैक थंब लू, शेयर विथ योर बडीज एंड फैमिली एंड कमेंट योर व्यूज एंड एब्सोल्युटली डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन और उसके बगल में छोटू सा बेल आइकन होगा उसे भी जरूर हिट कर देना ताकि आप इस चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस ना करें। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।